जामनगर में खत्म हुआ तीन दिन का जश्न। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी संपन्न हुई। रवाना हुए देशी विदेशी मेहमान। जामनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार जामनगर एयरपोर्ट ने तोड़े रिकॉर्ड। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी के चलते एक दिन में 160 फ्लाइट्स का हुआ मूवमेंट। 30 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी के तीसरे दिन नीता अंबानी ने माता की स्तुति पर दिया शानदार परफॉर्मेंस। मुकेश अंबानी ने पत्नी नीता संग किया डांस। दोनों ने पुराने हिंदी गीत। अनंत अंबानी ने भी स्टेज पर राधिका संग बाधा समा। सामने बैठे लोगों ने किया चिया। तीसरे दिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी से आया राधिका और अनंत अंबानी के हस्ताक्षर रस्म का एक्सक्लूसिव वीडियो। आरती के थाल और पुष्प वर्षा के बीच स्टेज पर पहुंची राधिका मर्चेंट। सादगी और खूबसूरती के कायल हुए मेहमान। अनंत राधिका की प्रीवेडिंग सेलिब्रेशन से नीता अंबानी और मुकेश अंबानी का एक फनी वीडियो भी निकलकर सामने आया। डॉन लुक में नजर आए मुकेश अंबानी। But this Don has been caught by his four little grandchildren who have wrapped him around their little fingers. Mukesh, chalo na, we are getting late. It's our little Anand Sangeet. Yes, boss. Hamari zindagi mein. अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेरेमनी में गायक अरिजीत सिंह ने किया परफॉर्म। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने भी जमकर मनाया जश्न। बेटी आराध्या के साथ प्री वेडिंग सेरेमनी में जुटते नजर आए। प्री वेडिंग के जश्न में देखकर देश विदेश से सितारों का मेला। गई स्टेज पर रात देखे तीनों खान तो कहीं डांस करती नजर आई दीपिका और जानवी कपूर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिले मुकेश अंबानी। साथ में बेटे अभिषेक बच्चन भी नजर आए। रणबीर कपूर बेटी राहा कपूर के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। आलिया और बेटी राहा ने पहने सेम थीम के कपड़े पहने। रणबीर आलिया की बेटी राहा के साथ अनंत अंबानी की मस्ती का वीडियो हो रहा है वायरल। आलिया की गोद में राहा को खिलाते नजर आया। जामनगर में गुजरात के संस्कृति का अनुभव करने और अनंत अंबानी की शादी में शरीक होने आए बिल गेट्स। अनंत राधिका की प्री वेडिंग इवेंट पर शाहरुख खान और रिहाना ने जमाया रंग। दोनों ने साथ किया डांस। लोगों ने किया चीयर। इवेंट में सितारों ने क्लिक करवाई फोटोज। शाहरुख ने सपरिवार किए पोस्ट। अनंत रॉय कपूर और रणबीर सिंह के साथ देखी अनन्या पांडे। प्री वेडिंग के जश्न में दिखा देश विदेश के सितारों का मेला। कहीं स्टेज पर दिख के तीनों खान तो कहीं डांस करती नजर आई दीपिका और जानवी। प्री वेडिंग इवेंट पर दुल्हन की तरह सजाई गई अंबानी। ग्रीन सा रंग बिरंगी रोशनी से चकमक। इवेंट में शामिल हुए थे बिजनेसमैन गौतम अडानी। अनंत राधिका की परफॉर्मेंस एंजॉय करते हुए नजर आए। अमेरिकी सिंगर कौन भी प्री वेडिंग इवेंट का जश्न हुए शामिल।
जामनगर में नंदा मारी की प्री वेडिंग के जश्न का आज था आखिरी और तीसरा दिन। अंबानी परिवार के फंक्शन में शामिल होने जामनगर पहुंचे संजय दत्त और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे। जामनगर में अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंचे एक्टर राज रजनीकांत खुशियों में हुए शामिल। 4 से 6 माह तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार दौरे, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जाएंगे प्रधानमंत्री। आज तेलंगाना और तमिलनाडु का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। प्रधानमंत्री आज से दक्षिण में चुनावी समर का भी भूकेंगे बिगुल। आज आदिलाबाद में और 5 मार्च को संगारेड्डी में 2 सार्वजनिक बैठकों को करेंगे संबोधित। 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 6 मार्च को बिहार के बेतिया का दौरा करेंगे। बेतिया में बिहार के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, रेलवे की कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 6 मार्च को फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे प्रधानमंत्री, कोलकाता से हावड़ा तक हुगली नदी के बीच बनी मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव से पहले आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक, आज प्रधानमंत्री मौजूदगी में 11 घंटे चली मीटिंग। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को विवादित बयानों से बचने की सलाह दी, कहा बोलना है तो योजनाओं पर बोले, विवादित बयानों से बचें। डीप फेक से भी सावधान रहने की अपील की, एआई के जमाने में आवाज बदलने को लेकर होने वाली कोशिशों से सतर्क रहने की सलाह। जून में पेश होने वाले बजट पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा इस बजट में दिखनी चाहिए विकसित भारत की झलक। दिल्ली सरकार का बजट आज होने जा रहा पेश, सूत्रों के हवाले से खबर, केजरीवाल सरकार का बजट रामराज्य की अवधारणा पर होगा आधारित। उत्तर प्रदेश में 5 मार्च को हो सकता है कैबिनेट विस्तार, उत्तर प्रदेश में आरएलडी को मिल सकता है 2 मंत्रिपद। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गढ़वा को दिया तोहफा, 93 करोड़ की 5 योजनाओं का उद्घाटन। लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुख्यमंत्री साय ने 2 पुलिस पोस्ट का किया उद्घाटन।